स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। आज का सम थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो आप बिजनेस कैसे डिसॉल्व करोगे। थोड़ा सा अलग होगा ये सम, पूरा लेक्चर देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। दिनेश, मंगेश एंड रमेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31st of March 2018 व्हेन देयर पोजीशन वाज एज अंडर। बैलेंस शीट बना के दिया है। द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द अबाउट डेट एंड द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ रियलाइजेशन। अभी तक नॉर्मल क्वेश्चन ही था, बट जैसे ही आप आगे बढ़ते हो और लास्ट एडजस्टमेंट देखते हो तो आपको लास्ट एडजस्टमेंट में दिखेगा नया पॉइंट की वो दिखा है All partners were insolvent. मतलब जब सारे partners insolvent हो जाएंगे तो हमारा dissolution कैसे होगा जरा वो देखते। कुछ board पे लिखा है मैंने, पहले वो समझ लेते। When all partners become insolvent, जब सारे partner insolvent कंगाल भिखारी हो जाएंगे, उनके पास कुछ भी नहीं बचा, तो करना क्या है? तो आपको क्या करना है कि बिजनेस में जो भी पैसा है, जितना भी पैसा है, क्योंकि बिजनेस में कहीं ना कहीं आपके पास प्रॉपर्टी पड़ा था, आपका असेट पड़ा था, उस असेट को आप बेच के पैसा तो जमा करोगे, तो क्या वो पैसा आप लेके जाओगे? नहीं, पार्टनर्स वो पैसा लेके नहीं जा सकता है। बिजनेस के असेट्स बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा उससे लायबिलिटीज पहले पे करनी पड़ेगी। और कौन सी लायबिलिटीज? एक्सटर्नल, बाहर वाले लोग का पैसा जो भी बिजनेस ने उधार लिया है उसको पे करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, जब भी आप सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो क्लोज करना है कैश और बैंक अकाउंट, और कैश और बैंक अकाउंट क्लोज करके जो भी पैसा आएगा उससे आपको लायबिलिटी पे करना है लायबिलिटी के रेशियो में। लायबिलिटी पे करना है लायबिलिटी के रेशियो में, मतलब एग्जांपल कि भाई अगर बिजनेस के पास सिर्फ एक लायबिलिटी है तो भाई मेरे पास 50,000 है, लाख रुपए देना था, 50,000 लो भाई और पैसा नहीं है, तो ये सिंगल था। लेकिन अगर दो लायबिलिटी आती है, एक को 1,00,000 देना है, एक को 2,00,000 रुपए देना है, 3,00,000 देना, मेरे पास सिर्फ 1,00,000 रुपए है, तो भाई जिसको देने का उसको 1,00,000 दे दूं? नहीं, मैं ये 1,00,000 रुपए का रेशियो निकालूंगा, इसको 2,00,000 देना है, इसको 1,00,000 देना है, तो 2:1 के रेशियो में 1,00,000 को डिवाइड करना। तो जब भी आप लायबिलिटीज पे करते हो तो लायबिलिटी रेशियो निकालना, और लायबिलिटी कब निकलेगा रेशियो? जब एक से ज्यादा लायबिलिटीज आएगा तब। सिंगल लायबिलिटीज है तो रेशियो नहीं आएगा, भाई जितना है उतना उसको पे करेंगे, पैसा है तो पे करेंगे, पैसा नहीं है तो भाई पे नहीं करेंगे। इफ एनी बैलेंस रिमेनिंग लायबिलिटीज, भाई पैसा पे करने के बाद भी पैसा रह गया है लायबिलिटीज में, देन ट्रांसफर टू द डेफिशिएंसी अकाउंट। मतलब अगर आपका बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया है, पार्टनर और उनके पास पैसा नहीं है, फिर भी हमने कुछ भी करके पैसा जमा किया और पे भी कर दिया लायबिलिटी होल्डर को, और उनके अकाउंट में अभी भी पैसा बैलेंस आ रहा है, तो उसके लिए उनको बोल देना भाई अब हमारे पास पैसा नहीं है, डेफिशिएंसी हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, अब हमको माफ करो। क्लियर? बस इतना सा कंसेप्ट है, देखते हैं सम कैसे सॉल्व होगा। स्टेप नंबर 1 है बैलेंस शीट खाली करना है। बैलेंस शीट जैसे उधर खाली करते थे, यहाँ पे बैलेंस शीट खाली करेंगे। थोड़ा सा अलग ये है कि लायबिलिटीज खाली नहीं होगा, जितनी भी लायबिलिटीज होगी उसका अकाउंट प्रिपेयर होगा। जैसे आज का सम में दो लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स और बिल्स लेबल, तो इनका दो अकाउंट मैंने बना दिया है। उसके अलावा अगर कोई लायबिलिटीज होगा, मतलब जितनी लायबिलिटीज होगी उतना लेजर अकाउंट आपको बनाना है। इस क्वेश्चन में दो ही लायबिलिटी है, दो लायबिलिटी अकाउंट 3 लायबिलिटी होता, 3 लायबिलिटी अकाउंट 4 लायबिलिटी होता, 4 जितनी लायबिलिटीज उतना अकाउंट लायबिलिटीज का बनेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं, असेट खाली करेंगे। असेट के अंदर है बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटर्स, गुडविल, बैंक। बैंक बैलेंस कैश और बैंक में चले जाएगा पहले। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है बैलेंस ब्रॉट डाउन? तो 8,000 रुपए बैंक बैलेंस है, डायरेक्टली पहले उसमें लिख दिया। उसके अलावा सारे असेट्स खाली करेंगे और कहां ले जाएंगे? रियलाइजेशन के अंदर। तो रियलाइजेशन में लिख दूंगा टू सन्ट्री असेट्स, अंडरलाइन करके जितने भी असेट्स है सबका नाम। पहला क्या है? पहला है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग लिख लेते हैं, बिल्डिंग। उसके बाद कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बाद डेटर्स है, चलो ठीक है, डेटर्स के बाद गुडविल है, तो गुडविल लिख लेते हैं। और कोई असेट्स है क्या? नहीं। चलो अमाउंट लिख लेते हैं कितना है, तो बिल्डिंग 78,000, कंप्यूटर्स 45,000,
नेक्स्ट डेटर्स 20,000, फिर उसके बाद 35,000, टोटल कर लेते इसका 1,78,000. क्या बात है, 1,78,000 टोटल आपके असेट साइड का, 1,86,000 है, 1,86,000 में 78 इधर है और 8,000 इधर है, प्लस करो 186 तो आ जाएगा, असेट्स खाली हो गया. अब लायबिलिटीज खाली करना है, बट वहां नहीं जाएगा, लायबिलिटीज लायबिलिटीज अकाउंट में जाएगा. पहला है बिल्स पेबल, क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिल्स पेबल का बैलेंस 40,000 तो आउटर कॉलम में 40,000. क्रेडिटर्स का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिटर्स का बैलेंस है 80,000 तो क्रेडिट पे दिया है, क्रेडिट पे जाएगा. ये हुआ लायबिलिटीज खाली. नेक्स्ट है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा, आपने बनाया है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है दिनेश का 26,000, मंगेश 22,000, 18,000. क्या बात है, ये हमारा हो गया बैलेंस शीट खाली. अब असेट्स बेचेंगे, पैसा जमा करेंगे और उससे लायबिलिटीज पे करेंगे, बट लायबिलिटी के रेशियो में सर क्यों, बिकॉज यहाँ पे लायबिलिटीज में दो लायबिलिटीज है, तो पहला काम मैं करता हूं यहाँ पे पहले से लायबिलिटी रेशियो निकाल देता हूं. लायबिलिटी रेशियो अगर काम आया तो देखेंगे, दो लायबिलिटीज है, एक है 80,000 और एक है 40,000. 40 कट, 8:4, 4 1 2, 4 2. तो हमारे पास लायबिलिटी रेशियो क्या है 2:1, इसका मतलब है जब मेरे पास पैसा आएगा तो उस पैसे को मैं 2:1 में डिवाइड करूंगा, 2 वाला पार्ट जो भी आएगा वो इसको दूंगा, मतलब क्रेडिटर्स को दूंगा, और 1 वाला पार्ट आएगा वो मैं इसको दूंगा, यानी कि बिल्स पेबल. वो जब आएगा तब देखेंगे, खाली अभी कैलकुलेट करके छोड़ देता हूँ. बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन में क्या दिया है, The firm was dissolved on the about date and the following is a result of realization. Firm dissolved हुआ और हमने सारे assets को बेचे, क्या क्या बेचा, तो asset realized में building realized हुआ, computer realized हुआ, debtors realized हुआ, building realized हुआ, computer और debtor तीनों asset आया था debit, realized होगा मतलब जाएगा credit by cash or bank account, underline करके building, फिर उसके बाद कंप्यूटर एंड देन डेटर्स. बिल्डिंग कितने में रियलाइज हुआ 40,000 में, क्या बात है. कंप्यूटर 30,000 में, डेटर्स 10,000, टोटल 80,000 हो गया इधर, 80,000 इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट. अब पैसा आएगा इसमें टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना पैसा आया यहाँ पे 80,000, इसलिए कैश और बैंक अकाउंट है. उसके बाद क्या दिया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000, 2,000 का खर्चा हुआ, जो भी खर्चा हुआ रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में टू कैश और बैंक अकाउंट. आपको याद होगा पहले से लिख के रखते थे यहाँ पे डिसोल्यूशन एक्सपेंस, इफ यू रिमेम्बर, 2,000 इधर क्रेडिट, सॉरी इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देना है क्रेडिट by realization account, by realization account कितना 2,000 रुपए. नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है all partner were insolvent, following amount was recovered from them Danish 2000 and Mangesh 2000. सिर्फ दो ही पार्टनर के पास से आपको पैसा मिला, बाकी किसी भी पार्टनर से पैसा नहीं मिला. पैसा मिला मतलब पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट होने वाला है. तो टू दिनेश, टू मंगेश, दिनेश के पास से भी 2,000 आया, मंगेश के पास से भी 2,000 आया, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट. तो बाय कैश और बैंक एक ही साथ दोनों की एंट्री पास कर रहा हूं, दिनेश ने दिया 2,000, मंगेश ने दिया 2,000, इसमें कुछ भी नहीं दिया. बढ़ते आगे, और कुछ है क्या, नहीं सब खत्म हो गया. अब जरा ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लोजिंग है. पहले तो चेक करेंगे सारे असेट्स बिक गए, हाँ सर सारे असेट्स बिक गए. अब जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे, सबसे पहला कैश अकाउंट क्लोज होगा. जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा, क्लोज करना है कैश और बैंक अकाउंट पहला,
पहले कैश और बैंक क्लोज करेंगे, देखेंगे बिजनेस के पास कितना पैसा है। तो यहाँ पे बिजनेस के पास 92,000 रुपीज आया है और 92,000 रुपीज में से 2,000 रुपया गया तो मेरे पास बैलेंस कितना आएगा 90,000। तो ये मेरा कैश बैलेंस है, ठीक है। अब ये 90,000 मुझे इसको भी पे करना है, इसको भी पे करना है, तो कितना किसको पे करेंगे उसलिए अपने लिए क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो लायबिलिटी रेशियो यानी कि 2:1 में 90,000 को डिवाइड करेंगे, तो 90,000 को 2:1 में डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60,000 and 30,000। तो ये आपका पैसे का इंफॉर्मेशन, आप पैसा आएगा तो डेबिट, अब पे करोगे तो क्रेडिट, तो बाय किसको किसको पे करोगे, क्रेडिटर्स को बाय बिल्स पेबल को। क्रेडिटर्स को कितना पे करोगे 60,000, इसको कितना पे करोगे 30,000, तो हो गया 90,000। देखो टैली हो गया, अभी तो इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट, क्रेडिटर्स में 2, कैश और बैंक कितना पैसा मिला भाई यहाँ पे इसको, इसको मिला 60,000, 2, कैश और बैंक इसको कितना मिला सर, इसको मिला 30,000। देना था 80,000 मिला 60,000, मतलब अभी भी 2,000 बाकी है। देना था 40,000 मिला 30,000, अभी भी 10 बाकी है। तो मैंने आपको बताया है इफ एनी बैलेंस रिमेन इन लायबिलिटी अकाउंट देन ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट, मतलब अगर इनके अकाउंट में कोई भी बैलेंस आएगा वो किधर ट्रांसफर होगा, डेफिशिएंसी अकाउंट में। जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तो एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनता है जिसका नाम है डेफिशिएंसी अकाउंट। तो अब हम ये अकाउंट क्लोज करते हैं, 80,000 क्लोज किया तो बैलेंस आएगा 20,000, तो 2 चले जाएगा इधर डेफिशिएंसी अकाउंट में, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देना है क्रेडिट, तो बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स को कितने का नुकसान हुआ 20,000 का। वैसे ही हम क्लोज करेंगे बिल्स पेबल का अकाउंट, ये साइड 40,000, ये साइड 40,000, बैलेंस आएगा 10,000। अब ये 10,000 फिर से कहां चले जाएगा, डेफिशिएंसी में, इधर डेबिट, दूसरा क्रेडिट, बाय बिल्स पेबल कितना आपको 10,000। अब आप देख सकते हो आपने ऑलमोस्ट मैक्सिमम अकाउंट क्लोज कर लिया, कैश ये क्लोज हो गया, अब आपके पास ये अकाउंट और ये अकाउंट और फिर वो अकाउंट बचा। तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करोगे, पार्टनर्स में जाओगे, पार्टनर्स अकाउंट क्लोज करोगे, डेफिशिएंसी में, और ये अकाउंट टैली होगा। नॉर्मल सम में कैश अकाउंट टैली होता था, बट इंसॉल्वेंट के अंदर जब सारे पार्टनर, तो डेफिशिएंसी टैली होना चाहिए। चलो स्टार्ट करके देखते हैं कौन से साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है। अब यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, 180,000 के अंदर 80,000 माइनस करेंगे तो 1,00,000 बैलेंस आएगा। अब ये 1,00,000 को 2:1 में डिवाइड करना है, 2 net by net loss दिनेश, मंगेश एंड रमेश, तो ये आएगा 40,000, 40,000 और 20,000। आई होप बराबर है 80-20। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट, 2 यहां पे आ जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, एक को 40,000, दूसरे को भी 40,000 और तीसरे को 20,000। अब रिमेनिंग पार्टनर का अकाउंट क्लोज करते हैं, देखते क्या हो रहा है। तो इधर यही अकाउंट ज्यादा है, इधर भी मतलब यही साइड का सबका टोटल ज्यादा है, तो यही साइड का टोटल लेते हैं 40,000, इसका भी 40,000, इसका 20,000। सेम ये बाजू लिख देंगे, पहले वाले को 40,000, दूसरे वाले को 40,000, तीसरे वाले को 20,000। 20 में से 18 जाएगा तो इसका बैलेंस आएगा 2,000, 24 में से 40 जाएगा तो 16,000 बैलेंस आ जाएगा, 28 तो 12,000 बैलेंस आ जाएगा। तो ये चले जाएगा बाय डेफिशिएंसी अकाउंट, पहले कैश में जाता था अब इंसॉल्वेंट तो डेफिशिएंसी में जाएगा। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट डेबिट, 2 दिनेश कैपिटल, 2 मंगेश कैपिटल एंड 2 रमेश कैपिटल। दिनेश का कैपिटल 12,000, इसका 16,000 और इसका 2,000, तो ये आपको 14,000, 20,000, 30,000
बैलेंस 30, ये बच देख लो दोनों साइड का टोटल सेम है 30,000 इस तरह आप करते हो व्हेन सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया है, तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।